तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद के 7 फोटोज़ रेडी करके रख देने हैं। 7 फोटो रेडी हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ, और जो सेकेंड जो एप्लीकेशन है उसका नाम है PicsArt एप्लीकेशन, जो स्क्रीन पर अभी मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये दोनों एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पर आपके मोबाइल पे डाउनलोड कर लेने हैं। सबसे पहले आपको जो PicsArt एप्लीकेशन है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ एड्स आ सकते हैं, इनको आपको स्किप कर देना है। एड्स को स्किप करने के बाद सबसे पहले स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एक मेक अ कोलाज का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी आपको आपके जो 7 फोटो आपने जो यहाँ पर रेडी करके रखे उसमें से कोई भी 4 फोटोज़ को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो 1, 2, 3 और ये 4, तो ऐसे मैंने 4 फोटो यहाँ पर जैसे अभी सिलेक्ट कर लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये टोटल 4 फोटोज़ यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के नीचे आपको एक रेशो का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अभी आपको एक स्टोरी वाला ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको लेआउट वाले ऑप्शन के ऊपर चल जाना है, और अभी आपको क्या करना है, ये स्टार्ट में आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, तो इसे आपको सारे लेआउट्स को थोड़ा आगे मूव करना है। आगे मूव करोगे तो यहाँ पर आपको एक 4 स्क्वायर वाला एक लेआउट यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हो ये वाला जो लेआउट है, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है, तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नीचे एक बॉर्डर का ऑप्शन आ जाएगा, तो बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर एक थिकनेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो थिकनेस के यहाँ पर आपको एक बार दिखेगा, तो इस बार को आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पूरा 0 कर देना है। इतना हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ऊपर आपको एक फॉरवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले आपको देख लेना आपने जिस ऑर्डर में फोटोज़ को सिलेक्ट किया है उस ऑर्डर को आपको यहाँ पर याद करके रख देना है, जैसे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो ऐसे आपको याद करके रख देना है। तो इतना हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक फॉरवर्ड एरो दिखेगा व्हाइट कलर का, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद और एक बार यहाँ पर आपको उसी एरो के ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हो नीचे आपको एक सेव का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे और एक सेव का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर एक गैलरी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ से बंद कर देना है। अभी जो सेकंड एप्लीकेशन है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऊपर आपको एक फोटो का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी सबसे पहले जो PicsArt से आपने यहाँ पर फोटो एक्सपोर्ट किया था उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और जैसे उस एक्सपोर्ट किए हुए फोटो में जिस फोटो का ऑर्डर है, मतलब फर्स्ट 4 फोटोज में जो फर्स्ट फोटो रहेगा, जैसे ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था, तो ये 4 फोटो को पहले उसी ऑर्डर में आपको सिलेक्ट करके लेना है, और बाकी के बचे हुए 3 फोटो आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल यहाँ पर आपको इस तरीके से 7 फोटो सिलेक्ट कर लेने हैं। 7 फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपके एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, और ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एकदम वीडियो के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे इस तरीके से आना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एक टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी जो ट्रेंड है इसके लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो लेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आपको इस ऑडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने एक चूज का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अभी 3 ऑप्शन आ जाएंगे, वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 करना है, फेड इन फेड आउट आपको 0 करना है। इसके बाद नीचे आपको एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और अभी यहाँ पर आपको टोटल 7 बीट्स ऐड करनी है। तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मैं क्लिक करूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है। जैसे इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बीट है उसका टाइम है 2.08, तो यहाँ पर 2.08 आने तक आपको इसे मूव करना है। जिस पॉइंट पर 2.08 आ जाएगा उस पॉइंट पर आके रुक जाना है। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर अभी 2.08 आ चुका है। तो इसके बाद आपको स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा, जिसके अंदर एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर आ चुका है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट बीट है आपके वो ऐड हो चुके हैं। तो सिमिलरली बचे हुए बाकी के 6 बीट है वो भी आपको ऐसे ऐड करनी है। बचे हुए 6 बीट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो कर दूंगा, उस हिसाब से आपके सारे बीट्स को यहाँ पर ऐड कर लेना है। सारे बीट ऐड हो जाने के बाद ऑडियो के बारे में कुछ इस तरीके से आपको 7 नंबर शो हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है।
अभी आप देख सकते हो सबसे पहले आप जैसे कोई भी फोटो को जूम करते हो दो उंगलियों की मदद से, वैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर लेना है। अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ब्लू कलर का बार है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी वर्टिकल लाइन शो हो रही है, तो आपको करना है कि हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका नीचे जो फर्स्ट फोटो रहेगा उसे उसके बार को सिलेक्ट करके उसका जो राइट हैंड साइड पर जो एंड है उसे आपको इस तरीके से ड्रैग करके इस वाइट वर्टिकल लाइन तक लेकर आना है। इसके बाद सेकंड लाइन को सिलेक्ट करके सेकंड फोटो का एडजस्ट करना है, फिर थर्ड लाइन को सिलेक्ट करके थर्ड फोटो को ऐसे ड्रैग करके लेना है। ऐसे आपको हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करके ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ, तो सारे फोटोज आपको आपके ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। सिर्फ लास्ट वाले फोटो के लिए आपको करना है कि आपका ये ब्लू कलर का ऑडियो का बार जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक लास्ट वाले फोटो को इस तरीके से ड्रैग करके ले लेना है। बस इतना हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो परफेक्टली आपका बीट्स के अकॉर्डिंग मैच होता हुआ एक रील यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने बना हुआ वीडियो जो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये बना वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।